हेलो दोस्तों, तो आज का जो मैच है वो है पंजाब वर्सेस चेन्नई का। दोस्तों, आईपीएल का 8वां रोमांचक मैच पंजाब वर्सेस चेन्नई के बीच खेला गया। धोनी ने टॉस जीते हुए बॉलिंग करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, लेकिन ये जोड़ी पूरी तरह से फेल रही। मयंक अग्रवाल बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, जिसका फ़ायदा दीपक चहर ने पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्हें मयंक अग्रवाल बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। उनके बाद आए धाकड़ बल्लेबाज गेल, जिनसे सबको ही उम्मीद थी कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, मगर वहीं जडेजा ने केएल राहुल को रन आउट करके पंजाब की कमर सी तोड़ दी। राहुल 7 बॉल में 5 रन ही बना सके। अगले ओवर में ही फिर से चहर ने क्रिस गेल को भी जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। गेल 10 बॉल में 10 रन ही बना पाए। अब क्रिस पर निकोलस पूरन और हुड्डा थे, अब इनसे ही उम्मीद थी, पर वही चहर ने पूरन को भी ठाकुर के हाथों कैच आउट कराया। पूरन बगैर खाता खोले ही आउट हुए और पंजाब की सारी उम्मीद यहां ख़त्म हो गई। हुड्डा को भी चहर ने डुप्लेसी के हाथों कैच आउट कराया। हुड्डा 10 रन ही बना पाए। फिर रिचर्डसन और शाहरुख खान ने पारी को थोड़ा सा संभाला। इन दोनों के बीच 31 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली गई, पर पारी के 13वें ओवर में ही मोइन अली ने रिचर्डसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। रिचर्डसन 15 रन 22 गेंदों में बना पाए। शाहरुख खान ही सिर्फ टेके रहे और शानदार पारी खेल के पंजाब को 106 रन के मामूली से स्कोर तक पहुंचा पाए। चेन्नई की तरफ से गायकवाड़ और डुप्लेसी की जोड़ी ने शुरुआत थोड़ी धीमी की। 5वें ओवर में अश्वदीप सिंह ने गायकवाड़ को हुड्डा के हाथों कैच आउट कराया। गायकवाड़ 16 बॉल में 5 रन ही बना पाए। फिर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली। इन दोनों के आगे पंजाब का कोई भी बॉलर नहीं टिक पाया रहा था, और ओवर और मैच के 12वें ओवर में ही इन दोनों ने अपनी 8 शतकीय पारी पूरी करी। अब सिर्फ 8 ओवर में 23 रन चाहिए थे, जो कि आराम से इन दोनों ने बना लिए और चेन्नई को उनकी पहली जीत इन दोनों ने दिलाई। तो दोस्तों, ये आज की हाइलाइट्स थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।